पंचायत माधोपुर प्रखंड के इस वक्त हम जो ये आहार है उसका तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले उससे पहले हम आपको बोर्ड पर दिखा दें कि इसका निर्माण जो है वो किया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना पंचायत माधोपुर प्रखंड चकाई जिला जमुई। योजना का नाम खिटिया आहार का जीर्णोद्वार। योजना संख्या भी दिया है, योजना कोड दिया, मतलब जो भी इसमें मतलब कितनी राशि खर्च हुई है, कितने दैनिक मजदूरी हैं, सबका विवरण इस बोर्ड के जरिए दिखा रहा है। अब हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां आहार का निर्माण हुआ है। अब मेरे पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही आहार है जहां यहां के लगभग 100 से ज़्यादा जो किसान हैं जिनका जिनके खेतों तक पानी जो है वो पहुँचता है और इस आहार से फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है किसानों का। हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहेंगे और जिस तरह से बातचीत हो रही थी अभी भी निर्माण का कार्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा है, निर्माण कार्य अभी बाकी है। हालांकि अभी बरसात का मौसम है इसलिए काम यहाँ पर बंद है, लेकिन इस आहार के बन जाने से इस प्रखंड में माधोपुर प्रखंड के बहुत सारे ग्रामीणों को जो है वो यहाँ का जल जो है अपने सिंचाई के लिए उपयोग में उनको बहुत फ़ायदेमंद होता है। जीव जंतु जो भी अगल बगल चरते हैं उनको भी यहाँ का पानी जो है वो मुहैया हो जाता है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। फिर से एक बार हमारी पूरी टीम जो है आपको पंचायतों के क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, पंचायतों में क्या कुछ प्रगति हो रही है इसको लेकर के हम फिर से एक बार पहुंच चुके हैं और जिला भी हमारा वही है जमुई जिला। यहां आहार पर कुछ मौजूद लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितना फायदा इस आहार से उन लोगों को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? संजय कुमार है। संजय जी, आहार बन जाने के बाद से आप ग्रामीणों को इससे क्या क्या फायदा हो रहा है ये हमें बताइए। पटवन का सुविधा हो गया और जाल माल पानी पीने का, रही बात जो है सो जो ही जो बाहर से लोग आया है मजदूर जो है उसको काम मिला है, इसमें अच्छी तरीके से काम हो रहा है, सारे लेबर द्वारा काम हो रहा है और यही सब हो रहा फायदा। हाँ, काम अभी बाकी है, काम होगा जी। बन जाने फायदा इसमें करीब करीब 40-50 किसान का उपजाऊ हो रहा है सर, पटवन हो रहा है इससे और पशुपालन का भी पानी पीने का सुविधा हुआ है। बाकी जो हम लोग का करोन होम टाइम से जो आया था आदमी उनका काम मिला है इसमें, रोजगार उनका मिला है और हाँ जी उनके तहत से सुविधा हम लोग का बहुत मिला है। और बाकी बोले हैं सर कि इसमें पेड़ भी लगा देंगे जी, वृक्षारोपण भी। पंचायत है मुखिया जी यहाँ का कार्य, मुखिया जी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर? जी संतुष्ट है सर। हाँ काफ़ी काम है, नहीं इससे पहले तो दिक्कत था लेकिन इस मुखिया जो जब से आए हैं काम हो रहा है, काफ़ी प्रगति से हो रहा है जी। जहाँ जो कर रहे हैं मैंने अपना जो है अपना इसी से मुखिया जी मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, हर जगह काम करवा रहे हैं अच्छी तरह से। ये मुखिया जी आने के बाद में हम लोग को ऐसा लग रहा है कि विकास की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, और आने वाला समय में भी मुखिया जी करेंगे जी। यहाँ नहीं बना है कहाँ से रेडी, यहाँ से फायदा हो रहा है और नल जल नहीं हो बन रहा है, यहाँ पानी वाला नहीं पहुँचा है, कैसे रहेंगे? पानी नहीं पीने का साधन है, कभी कभी कल सूख जाता है कैसे पानी पिए, एक साधन नहीं है तब किरण आते मर जब हमारा के पानी एगो कर्मशाला जो बन जते तो जा 10 गो के आदमी आवे है जात पर जात तो बैठे के जगह नहीं है, तो ओकरा बैठे के जगह मिले के चाहिए अपने ये सब, लेकिन वो नहीं है, यहाँ कोई साधन नहीं है, कहाँ से रेडी में कहीं भी साधन नहीं है कि हाँ 10 गो आदमी बैठ करके वहाँ बैठते है, कर्मशाला कहीं बनिए नहीं। सुमित्रा देवी पंचम से
जैसे कि एक नंबर में नाला बना है और 7 नंबर में नाला बना है, जागाड़ी ग्राम में पीसीसी रोड बना है, उसके बाद धमनिया 7 नंबर में पीसीसी रोड बना है, उसके बाद बोने में बना है, बिछवा में बना है, गुरीडी में बना है, 23 गांव है मेरे पंचायत में। अच्छा। सभी गांव में कुछ ना कुछ काम हुआ है, पीसीसी रोड, नाला, आहार मनरेगा से आहार का काम हुआ है, पशु सेट का काम हुआ है, बकरी सेट बना है, वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, बहुत सारे कार्य, आवास का काम हुआ है, प्रधानमंत्री आवास का आवास करीब करीब 250 के लगभग हुआ है। अच्छा, 250 मिल गया जी। जल नल योजना की जो जल नल योजना जो है हमारे वार्ड में पंचायत से 2 वार्ड में काम हुआ है, 2 वार्ड में काम पूर्ण हो गया है, एक हिरनाताड़ गांव है और दूसरा माधोपुर। हिरनाताड़ में 2 यूनिट का काम हुआ है, पानी लोग पी रहे हैं, और माधोपुर में भी काम पूरा हो गया है, 2 नंबर वार्ड में वहाँ भी पानी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, शिक्षा की मैं अगर बात करूँ, स्वास्थ्य की बात करूँ, तो आपके पंचायत में इसकी स्थिति क्या है, आपने इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए? माधोपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर नर्स NM रहती है और वहाँ पर दवाई वगैरह उपलब्ध है, और यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल एक प्रखंड में है। हम लोग 19 कोविड जो हुआ उसमें हम लोग को जो प्रवासी मजदूर आता था उसको हम लोग गाड़ी करके प्रखंड क्वारंटाइन में भेज देते थे, और यहाँ पर मेरा पंचायत में पंचायत क्वारंटाइन बाद में बना था, जहाँ पर कि हम उसको देख रेख के करके अच्छा से चलाए। वहाँ पर 97 मजदूर था और पूरा अच्छा से व्यवस्था था, पंखा शौचालय वगैरह सब लगा। ये बताइए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य है, जी। लोग आप तक पहुंचे इसके लिए आपने क्या कुछ उपाय कर रखा है, आप तक कैसे मिले लोग, और अंतिम ये सवाल बताइए मुझे कि आप और क्या काम इस पंचायत के लिए करना चाहते हैं, ताकि अपने आपके तमाम ग्रामीण यहाँ पर सुन रहे हैं आपको। हम लोग जैसे कि दाह सब यहाँ पर माधव पंचायत में नहीं बना हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं दाब सहगृह बने यहाँ पर माधोपुर में, और माधोपुर बस स्टैंड में शौचालय एवं पेशाब खाना का बनना जरूरी है। हम फंड का भी कमी है, फंड आने के बाद हम लोग उसको बनवाएंगे। गोपाल कृष्ण जी, मुखिया माधोपुर पंचायत के थे, उनसे हमने बातचीत की और ये जाना कि क्या कुछ और विकास का कार्य यहाँ पर है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़कें यहाँ पर तक पहुँच गई है, लेकिन कई और जगह है जहाँ सड़कें पहुँचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें भी ठीक ठाक है यहाँ पर, यानी कि इस पंचायत के सर्वे में हमने पाया कि इस पंचायत में अभी तक फिलहाल के लिए सब कुछ बढ़िया है। उम्मीद है ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ अपने स्थानीय सहयोगी अमित कौशिक के साथ मैं देवाशीष कुमार, द SG News माधोपुर।